Lorraine, let go of her hand. हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम द मोस्ट अवेटेड हॉरर मूवी द कंजरिंग 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म को द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट के नाम से भी जानते हैं और इसे माइकल चावस ने डायरेक्ट किया है और जेम्स वॉन भी इस फिल्म का हिस्सा है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर एंड राइटर। इस फिल्म में भी हमें पैट्रिक विल्सन और वीरा फर्मिंगा एज अ एड और लॉरेन वॉरेन की भूमिका में दिखेंगे। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत 18 जुलाई 1981 में होती है। यहाँ हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो एक बच्चे डेविड की एक्सोसिज्म की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि डेविड के ऊपर कोई शैतानी छाया थी और यह एक्सोसिज्म डेविड के घर पर ही हो रहा था। यहाँ डेविड के अलावा उसके मॉम डैड, उसकी बहन और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आने भी था। यहाँ हम देखते हैं कि एड ब्रेक लेते हैं और वो डेविड के पिता को भी बोलते हैं कि डेविड को भी थोड़ा रेस्ट करने दे, क्योंकि तब तक फादर गॉर्डन भी नहीं आए थे। आर्नी डेविड को उसके रूम में ले जाता है और जैसे ही आर्नी वहाँ से जाता है, वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है और फिर कोई शैतानी शक्ति डेविड को डराती है और वो डर कर बाथरूम में छिप जाता है और फिर वो शैतानी शक्ति बाथरूम में भी आती है और फिर डेविड के चीखे सुन सभी वहां भाग कर आते हैं और डेविड के फादर अंदर जाते हैं और यहां हम देखते हैं कि डेविड पूरी तरह पजेस हो चुका है और वो अपने फादर को ही स्टेप कर देता है। ये देखकर एड समझ जाते हैं कि डेविड का एक्सोसिज्म अभी करना होगा और फिर वो डेविड को लेकर नीचे आते हैं और वो फादर गॉर्डन को बोलते हैं कि एक्सोसिज्म अभी के अभी परफॉर्म करना होगा। यहाँ ये सभी मिलकर भी डेविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और फिर डेविड अपनी शैतानी शक्तियों से इन लोगों पर सामान फेंकता है और जिससे फादर गॉर्डन घायल हो जाते हैं। इसके बाद डेविड अजीब तरीके से अपनी बॉडी को मोड़ता है जिसे देख सभी डर जाते हैं और इसी दौरान लॉरेन जब डेविड का हाथ पकड़ती है तो उसे विजन आते हैं और उसके विजन में उसे एक औरत दिखती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी। इसके बाद डेविड एड पर अटैक कर उसके हार्ट को रोकने का प्रयास करता है और एड को हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ लॉरेन उसके हेल्प करने के लिए जैसे आगे बढ़ती है उसे फिर से वही विजन आने लगते हैं और तभी वहाँ आर्नी आता है और वो शैतान को बोलता है कि वो डेविड को छोड़कर उसकी बॉडी में आ जाए और फिर वो शैतान डेविड को छोड़कर आर्नी को पोजेस कर लेता है। यहाँ एड ये सभी होते देख रहे होते हैं लेकिन हार्ट अटैक के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते और जैसे ही डेविड नॉर्मल होता है सभी को लगता है कि एक्सोसिज्म सक्सेस रहा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ डॉक्टर लॉरेन और बाकियों को बताते हैं कि एड को सीवियर हार्ट अटैक आया था। आगे हम देखते हैं कि लॉरेन एड के पास हॉस्पिटल में ही रुकती है और जब फादर गॉर्डन वहाँ आते हैं और लॉरेन को घर जाकर आराम करने को बोलते हैं तो वो मना कर देती है और वो एड के पास ही रुकती है और वो फादर को 30 साल पहले अपनी और एड की पहली मुलाकात की स्टोरी भी बताती है जहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम आर्नी और डेवी को देखते हैं। ये दोनों ब्रूनो नाम के एक आदमी के घर पर किराए से रहते थे और ब्रूनो रेंट के रूप में इनसे पैसे नहीं लेता था बल्कि डेवी उसके काम में हेल्प करती थी जो कि डॉग्स की देखभाल करना था और ये काम डेबी बहुत अच्छे तरीके से करती थी जबकि ब्रूनो नहीं कर पाता था। यहाँ हम देखते हैं कि आर्नी डेबी को वो टाउन छोड़कर बड़े शहर चलने के लिए बोलता है जहाँ ये दोनों और ज़्यादा पैसे भी कमा सकते थे और अपनी ज़िंदगी की नए तरीके से शुरुआत भी कर सकते थे। जब आर्नी अकेले होता है तो वहाँ अजीब गरीब चीज़ें होती हैं और फिर वही औरत जो लॉरेन को विजन में दिखी थी वो आर्नी पर अटैक करती है और यहाँ से आर्नी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब आर्नी एक पेड़ काट रहा होता है तभी वहाँ पहले वही औरत दिखती है और फिर पेड़ काटने वाली मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाती है और बहुत बड़ा हादसा होते होते बच जाता है और फिर आर्नी
जो अच्छा फील नहीं कर रहा होता है वो वापस घर चला जाता है। आर्नी का लैंडलॉर्ड ब्रूनो, जो कि एंजॉय करने वाला और अच्छे दिल का इंसान था, वो आर्नी को घर आते देख उसे बियर ऑफर करता है और म्यूजिक भी ऑन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एड को होश आता है और वो लॉरेन को बोलता है कि एक्सोसिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बल्कि वो शैतान अब आर्नी पर हावी हो गया है। और लॉरेन डेबी को सावधान करने के लिए कॉल करती है, पर म्यूजिक की आवाज़ तेज होने के कारण किसी को भी टेलीफोन की रिंग सुनाई नहीं देती। और फिर लॉरेन पुलिस स्टेशन पे कॉल कर अलर्ट करती है कि उस घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आर्नी की हालत बिगड़ती जाती है और यहाँ ब्रूनो जब डेबी के साथ डांस कर रहा होता है तब वो आर्नी को शैतान जैसा दिखता है, जो कि डेबी को हर्ट कर रहा है। आर्नी पहले ब्रूनो पर अटैक कर डेबी को लेकर वहाँ से भागता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि ब्रूनो, जो कि एक शैतान है, उस पर अटैक कर रहा है। और फिर वो चाकू से 22 बार ब्रूनो को स्टैब करता है और ब्रूनो की वही मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पोजेस आर्नी रोड पे चल रहा होता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है और उसकी आवाज़ सुनकर आर्नी वापस से नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी को हर्ट किया है और पुलिस ऑफिसर आर्नी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पूरा ब्रुकफील्ड शहर इस घटना से सदमे में था, क्योंकि 193 साल के इतिहास में इस टाउन में किया गया ये पहला मर्डर था। आगे हम देखते हैं कि एड और लॉरेन आर्नी से मिलने जेल में जाते हैं और यहाँ आर्नी के सामने क्रॉस होली वाटर होता है और वो बाइबल भी पढ़ रहा होता है, मतलब साफ है कि अभी किसी प्रेत ने उसे पोजेस नहीं किया है। आर्नी बोलता है कि ये काम उससे शैतान नहीं कराया है, क्योंकि मैंने खुद अपनी बॉडी में उसे इनवाइट किया था। तभी एड बोलते हैं कि अभी तुम पोजेस नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जब ब्रूनो का मर्डर हुआ तब तुम पोजेस नहीं थे। और फिर ये दोनों बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे और ये दोनों आर्नी के लॉयर से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि वो कोर्ट में बोले कि आर्नी पोजेस था और ये मर्डर शैतान ने किया है। लेकिन वो लॉयर इस बात को नहीं मानती और साथ ही वो बोलती है कि कोर्ट शैतान को नहीं मानता। तभी एड बोलते हैं कि कोर्ट यदि भगवान को मानता है तो उसे शैतान को भी मानना चाहिए। यहाँ वो लॉयर उन्हें बोलती है कि आप इस शैतान वाली बात पर जज को कैसे कन्विंस करेंगे जब आप मुझे भी कन्विंस नहीं कर पा रहे। और फिर एड उस लॉयर को डिनर पर इनवाइट करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि वो उसे एनावल डॉल से भी मिलाएंगे और इसके बाद भी अगर वो कन्विंस नहीं हुई तो ये लोग हार मान लेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लॉयर कोर्टरूम में होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो जज को बोलती है कि ये मर्डर शैतान ने करवाया है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि वो एड और लॉरेन के घर आई थी और उनका कल्ट म्यूजियम में उसने सभी शैतानी चीज़ें और एनावेल को देखा और शैतानी शक्ति को फील भी किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लॉयर एड और लॉरेन को बोलती है कि यदि उन लोगों ने जल्दी कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं लाया तो आर्नी को उम्र कैद या मौत की भी सजा हो सकती है। और फिर एड और लॉरेन वापस से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और अपने रिकॉर्ड की गई चीज़ों को सुनते हैं। और फिर कहानी 5 महीने पीछे जाती है, जब ग्लेडजेल फैमिली पहली बार उस घर में आई थी और ग्लेडजेल फैमिली के साथ आर्नी भी वहाँ था। डेबिट पहली बार जब उस घर के अंदर गया था और वाटर बेड पर इंजॉय कर रहा था तब उसे वो डीमन पहली बार वहाँ दिखता है और वो शैतान डेबिट पर अटैक भी करता है। यहाँ डेबिट की चीख सुन जब सभी वहाँ आते हैं और डेबिट उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है तब कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। यहाँ स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम पर आती है और एड और लॉरेन वापस उसी घर में जाते हैं और उस वाटर बेड वाली जगह पर उन्हें फ्लोर डैमेज दिखता है और यह तो साफ था कि वो डैमेज पानी के कारण नहीं हुआ था। और फिर डेबी उन्हें उस बेसमेंट में जाने वाला रास्ता दिखाती है, लेकिन वो जगह बहुत ही छोटी थी और एड अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए लॉरेन उसके अंदर जाती है और बेसमेंट में उस डैमेज वाली जगह के नीचे लॉरेन को विच टोटम मिलता है, जिसका इस्तेमाल विच काला जादू करने के लिए करती है। ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक होता है जिसके जरिए
शैतान को भेजा जाता है और वो सामने वाले को पोजेस कर जान लेता है। एड और लॉरेन ये सारी बातें डेबी को भी बताते हैं और यही कारण था कि आर्नी भी बाइबल को आसानी से पढ़ सकता था, क्योंकि उसे किसी आत्मा ने पोजेस नहीं किया था बल्कि उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था। और ये देखकर फादर गॉर्डन उन्हें एक रिटायर फादर कास्टनर के पास जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि कास्टनर 10-12 सालों से इस ब्लैक मैजिक पर स्टडी कर रहे थे। एड और लॉरेन कास्टनर से मिलते हैं और उन्हें इस टोटम का पिक भी दिखाते हैं, और ये पिक देखते ही वो फादर समझ जाते हैं कि ये रैम कल्ट है जो कि एक भयानक ब्लैक मैजिक है, और वो इन्हें बोलते हैं कि वो ये भूल जाए कि उन्होंने ऐसा भी कुछ देखा है। लेकिन एड और लॉरेन के और पूछने पर कास्टनर उन्हें अपने एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने इस रैम कल्ट से रिलेटेड कई सारी चीजें छिपा कर रखा था। वो उन्हें बताते हैं कि ये ब्लैक मैजिक शैतान को पूजने वाले शक्तियां पाने के लिए करते हैं जिसमें ब्लड सैक्रिफाइस भी शामिल है। वो बताते हैं कि 9 साल पहले जब वो इस ब्लैक मैजिक पर स्टडी कर रहे थे तब एक रैम कल्ट करने वाले पर कोर्ट में मुकदमा चला और जो वकील केस लड़ रहा था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा 6 हफ्ते पहले ही पैदा हो गया और उसका हार्ट उसके शरीर से बाहर था। और इसके 3 हफ्ते बाद उस लॉयर की वाइफ ने अपना सिर रेल के पटरी पर रखकर सुसाइड कर लिया था। वो ये बातें एड और लॉरेन को इसलिए बता रहे थे कि वो इन शैतान को पूजने वालों को हल्के में ना ले, और वो बोलते हैं कि आर्नी अब मौत के मुंह में है और ये लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश में अपना सब कुछ खो सकते हैं। यहाँ कास्टनर इस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सारी स्टडी मटेरियल्स एड और लॉरेन को दे देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बिच वापस से आर्नी के फोटो पर ब्लैक मैजिक करती है, और वहीं दूसरी तरफ आर्नी के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती है और फिर वो शैतान आर्नी पर अटैक भी करता है। अगले दिन एड और लॉरेन को ऐसे ही एक टोटेम और मर्डर के बारे में पता चलता है और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा डिटेक्टिव इन लोगों से मिलने को भी तैयार हो जाता है। एड और लॉरेन उस डिटेक्टिव से मिलते हैं और वो उन्हें ऐसे एक टोटम की फोटो भी दिखाता है जो उन्हें जेसिका और कैटी के घर पर मिली थी। 4 महीने पहले कैटी की किसी ने हत्या कर दी थी और उसे भी चाकू से 22 बार स्टैब किया गया था और तभी से जेसिका भी लापता है। यहाँ एड और लॉरेन जेसिका को ढूंढने में हेल्प के बदले उस केस की फाइल की डिमांड करते हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव सुपरनेचुरल चीजों पर बिलीव नहीं करता था और वो लॉरेन के पावर को टेस्ट करता है। वो उसके सामने 3 चाकू ला के रखता है जिसमें से एक चाकू से कैटी की हत्या की गई थी, और यहाँ लॉरेन बहुत ही आसानी से उस चाकू को पहचान जाती है और इस बात से वो डिटेक्टिव हैरान रह जाता है और फिर वो इन्हें उस मर्डर वाली साइट पर लेके जाता है। यहाँ कार चलाते समय वो साइट से आगे चला जाता है, तभी लॉरेन उसे बोलती है कि मर्डर साइट पीछे रह गया है और ये बात उसे और अचंभित कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेबी और डेविड को देखते हैं जो कि आर्नी से मिलने जेल जाते हैं, और यहाँ डेविड आर्नी की हालत देखकर ये समझ जाता है कि वो शैतान उस पर पूरी तरह हावी हो गया है। वो उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम क्या फील कर रहे हो, कि लगातार किसी का अपने कानों में बोलते रहना और साथ ही अपने चारों तरफ कोल्ड फील करना कितना भयानक होता है। यहाँ मर्डर साइट पे जाने के बाद लॉरेन को उस दिन घटी सभी घटनाओं का विजन दिखता है। लॉरेन जेसिका के हर मूव को फील कर रही थी और वह वैसे ही एक्ट करती है जैसे उस दिन जेसिका कर रही थी, और यहाँ हम देखते हैं कि जेसिका और कैटी बेस्ट फ्रेंड है और जेसिका उसे एक बैंड भी गिफ्ट करती है, और फिर जेसिका पोजेस हो जाती है और वो कैटी पर 22 बार चाकू से वार करती है और इसके बाद वो वहां से भागती है, और यहाँ रियल टाइम में लॉरेन भी भागती है, और यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन भागते हुए एक पहाड़ी के किनारे आके रुक जाती है, और यहाँ लॉरेन भी जेसिका की तरह जैसे ही उस पहाड़ से नीचे कूदने वाली होती है वहाँ एड आ जाता है और उसे आवाज देकर रोकता है। एड की आवाज सुनकर लॉरेन होश में आती है और तभी एक शैतानी हाथ उसे नीचे खींचता है। यहाँ एड लॉरेन को नीचे गिरने से बचा लेता है। लॉरेन उन्हें बताती है कि जेसिका ने यहीं से जंप किया था और उसकी बॉडी नीचे पानी में है, और फिर पुलिस को भी उस पानी से एक डेड बॉडी मिलती है। यहाँ वो डिटेक्टिव इन्हें थैंक्स बोलता है
और वादे के मुताबिक उस केस की फाइल्स भी इन्हें दे देता है। इसके बाद एड और लॉरेन को डेबी का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि वो शैतान आर्नी को सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहा है और यही वो बात है जो वो शैतान लगातार उसके कानों में बोल रहा था। एड उसे बोलते हैं कि वो जेल में कॉल कर फादर न्यूमन को बोले कि वो 24 आवर आर्नी पर नजर रखे, लेकिन इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती किसी डिमोनिक पावर के कारण उनका फोन कट जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फादर न्यूमन आर्नी को होली वाटर देते हैं। यहाँ वो शैतान आर्नी को लगातार परेशान कर रहा होता है और फिर वो उस होली वाटर का सर्कल बनाकर उसके बीच में बैठकर प्रे करता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन एड को बोलती है कि ये शैतान खुद यहाँ नहीं आया है बल्कि इसे ब्लैक मैजिक करके कर्स के जरिए भेजा गया है और कर्स को तोड़ा जा सकता है। लॉरेन बोलती है कि जब पहली बार उसने डेविड का हाथ पकड़ा था तब उसे एक विच के विजन आए थे और यदि वो डेड बॉडी जेसिका की हुई तो माइट भी वापस से उसके जरिए कनेक्शन किया जा सकता है। ये दोनों मुर्दा घर जाते हैं और लॉरेन जेसिका की डेड बॉडी को टच करती है और उसे वापस से विजन आते हैं। यहाँ विजन में लॉरेन खुद को एक टनल में पाती है जहाँ एक औरत होती है जो कि अपने टेबल यानी ऑल्टर पर आर्नी की फोटो के साथ काला जादू कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्नी एक बार फिर से पूरी तरह पजेस हो जाता है और यहाँ वो वैसे ही एक्ट करता है जैसे वो विच कर रही होती है और आर्नी होली वाटर वाले बॉटल को फोड़कर उससे अपना गला काटने लगता है। तभी लॉरेन उस विच को कमांड कर रोक देती है और वही दूसरी तरफ जेल के अंदर आर्नी को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। यहाँ वो विच लॉरेन को देखकर शॉक हो जाती है लेकिन यहाँ वो लॉरेन के ही तरह उसका कनेक्शन यूज करती है और लॉरेन को पता चलता है कि ये कनेक्शन दोनों साइड से है। वो विच मुर्दा घर में मौजूद एक डेड बॉडी को पोजेस कर लॉरेन पर अटैक करवाती है। यहाँ एड उस डेड बॉडी को देख लेता है और सही समय पर भागकर लॉरेन का जेसिका से कनेक्शन तोड़ देता है। इसके बाद एड और लॉरेन जब घर पहुंचते हैं तो उनका असिस्टेंट ड्रू उन्हें एक बुक देता है जिसका यूज चर्च विचेस को पकड़ने के लिए करते थे। एड जब उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कर्स पूरा होने के लिए एक मर्डर और एक सुसाइड का होना जरूरी है। ब्रूनो का मर्डर तो हो गया है, अब आर्नी का सुसाइड बाकी है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि कर्स को रोकने के लिए उस विच के आल्टर यानी उसके टेबल को तोड़ना होगा। तभी लॉरेन बताती है कि उसने अपने विजन में उस विच का आल्टर देखा था जो कि एक टनल के अंदर है और वहां ट्रेन की आवाज भी आ रही थी। और फिर एड वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहां कोई नहीं होता और फिर एड को उसी घर में वही विच दिखती है जो कि एड को डराने की कोशिश कर रही थी और फिर वही मुर्दा घर वाली डेड बॉडी एड पर अटैक करती है। एड उसे क्रॉस और प्रेयर से रोकता है और फिर उस पर चाकू से वार करता है। तभी ड्रू एड का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और यहाँ एड को होश आता है और वो देखता है कि वो लॉरेन को चाकू मारने वाला था। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि वो विच अब एड पर भी हावी होकर उसे भी विजन्स दिखा रही है। इसके बाद लॉरेन ये नोटिस करती है कि वहाँ मौजूद फूलों के पॉट में से एक पॉट के फूल सूखे हैं और जब एड उस पॉट को तोड़ता है तो उसमें भी वैसा ही एक विच टोटम होता है। मतलब साफ है कि वो उस विच ने अब एड को टारगेट किया है। ब्लैक मैजिक और विच टोटम वाली बुक लैटिन में लिखी हुई थी जिस कारण एड उसे आगे नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए लॉरेन वो बुक लेकर कास्टनर के पास जाती है ताकि उस बुक से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर वो एड को उस विच से बचा सके। यहाँ एड और ड्रू लॉरेन के विजन और बाकी जानकारियों के बेस पर उस विच की जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और फाइनली उन्हें पता चलता है कि वो विच कास्टनर के घर के आसपास ही कहीं है, क्योंकि लॉरेन कास्टनर के घर गई थी इसलिए एड भी कास्टनर के घर के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन कास्टनर के घर पहुंच गई थी और वो कास्टनर से बुक पढ़ने के लिए हेल्प मांगती है। बुक पढ़ के बताते हैं कि इस कर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 विक्टिम्स की जरूरत होती है, बच्चा, लवर और गॉडमैन, जो कि प्योरिटी, लव और फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर लॉरेन कास्टनर को बताती है कि एक और टोटम मिला है और वो एड के ऑफिस में रखा गया था। मतलब साफ है कि विच को कैटी और जेसिका के रूप में बच्चा
आर्नी के रूप में लवर तो मिल चुका है और अब उसने गॉडमैन के लिए एड को चुना है। और वो बताते हैं कि इस जगह पर चर्च उन चीज़ों को रखती थी जो उन्हें समझ में नहीं आते थे या जिससे वो डरते थे, और कास्नर उन चीज़ों पर स्टडी करते थे, और उनकी बेटी जिसे उन्होंने सभी से छिपा कर रखा था वो यहाँ उनके साथ ही रहती थी। और इन चीज़ों के साथ बड़े होते होते वो ब्लैक मैजिक की तरफ आकर्षित हो गई और वो एक विच बन गई। फादर लॉरेंस से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि वो मेरी बेटी है इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता पाया। साथ ही वो लॉरेन को बताते हैं कि यहाँ नीचे टनल्स हैं, उसका अल्टर नीचे टनल में ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ज को तोड़ने के लिए उस अल्टर को तोड़ना होगा। तभी लॉरेन को फील होता है कि वो विच वहाँ आ गई है और फिर कास्नर लॉरेन को टनल में भेजते हैं। और तभी विच कास्नर के पास आती है और अपने पिता का ही गला काट कर उनकी हत्या कर देती है। वहीं नीचे टनल में लॉरेन को वो अल्टर दिखता है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसका वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो उसे तोड़ नहीं पा रही थी। इसके बाद वो विच भी वहाँ आ जाती है और तभी लॉरेन वहाँ से भागती है। वो विच लॉरेन को विजन दिखा कर डराती है और इसी दौरान एड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लॉरेन की चीखें सुनते हैं और फिर उसी आवाज़ का पीछा करते हुए एक मैनहोल को तोड़कर उसके अंदर जाते हैं। यहाँ एड को लॉरेन दिखती है लेकिन वो लॉरेन नहीं होती बल्कि वो वही विच थी, और वो एड को पोजेस कर उनके हाथों ही लॉरेन पर अटैक करवाती है और खुद वापस से कुछ रिचुअल स्टार्ट करती है। और एक बार फिर से आर्नी पोजेस हो जाता है और वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और फिर आर्नी ग्लास तोड़कर उसे अपना गला काटने लगता है। यहाँ डेबी उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ एड लगातार लॉरेन पर अटैक कर रहे होते हैं और लॉरेन उन्हें अपना प्यार और अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद दिला रही होती है। यहाँ उनका प्यार जीत जाता है और एड उस विच के पोजीशन से बाहर आते हैं, थोड़े से अल्टर को ही तोड़ देते हैं और अल्टर के टूटते ही विच का कर्ज भी टूट जाता है और वहाँ दूसरी तरफ आर्नी भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कर्ज के टूटते ही उस विच का ब्लैक मैजिक उस पर ही अटैक कर देता है और फिर उसकी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगती है और फिर उसी के शक्ल की एक शैतान वहाँ आती है और उसे मारकर उसकी सोल ले जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये विच शैतान उसे शक्ति के बदले में सोल का सौदा करते हैं और नाकाम होने पर वो शैतान उनकी ही सोल ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड उस विच का सामान अपने म्यूजियम में रखते हैं और आर्नी को 5 साल की सजा होती है। आर्नी जेल में ही डेवी से शादी कर लेता है और उसके बाद वो दोनों हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और यहाँ मूवी के लास्ट में हम एड, लॉरेन, आर्नी और डेवी की रियल पिक देखते हैं और साथ ही एक्सोसिज्म के टाइम रिकॉर्ड किए गए रियल वॉइस को भी सुन सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंस से इंस्पायर है इसलिए कुछ बातें उस ट्रू इंसिडेंस की करते हैं। रियल स्टोरी में भी जब डेविड पर एक्सोसिज्म परफॉर्म किए जा रहे थे तब आर्नी ने शैतान को चैलेंज करते हुए बोला कि बच्चे को क्या पोजेस करता है, अगर दम है तो मुझे पोजेस कर, और फिर उसके बाद आर्नी को शैतान दिखने लगा। और फिर आर्नी ने जब डेबी के बॉस का मर्डर किया तो उसने बोला कि ये मर्डर उसने नहीं किया है बल्कि शैतान ने उससे करवाया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।